तो मरियम के द्वारा जो यीशु मसीह पैदा हुआ है, ये मई के महीने में नहीं, मई के महीने में 9 महीने पूरे होते हैं, बल्कि जून के महीने में पैदा। परंतु जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 4 BC में क्यों हुआ, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आज यीशु मसीह के जन्म को लेकर। अक्सर आपने देखा होगा यीशु मसीह के जन्म को लेकर बहुत से मतभेद होते हैं हमारे मसीह समाज के अंदर, की कोई कहता है यीशु मसीह का जन्म जो है इस तारीख में हुआ, कोई कहता उस तारीख में हुआ, कोई कहता ठंडे में हुआ, कोई कहता गर्मी में हुआ। मगर हमें परमेश्वर का वचन जो है हर एक बात का जवाब देता है कि सही माने में यीशु मसीह के जो जन्म की तारीख है वो है क्या। जब हम बड़े गहराइयों के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और गहराइयों के साथ, उसको बड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं अच्छे से, तब तक हम इस चीज को अच्छे से जान नहीं पाएंगे कि सही माने में यीशु मसीह के जन्म की सही डेट कौन सी है। अक्सर क्या होता है कि हमें, हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती क्या है, हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती यह है कि हमें जो लोग भी कुछ भी सुना जाते हैं हम उसको सच मान बैठते हैं और उसके आधार पर अपने सोच और अपने विचार बना लेते हैं और उसी के अनुसार जो है हम अपना जीवन जो है जीने लगते हैं। ये जो है खास तौर से जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, कोई कुछ बताता है, किसी ने कुछ बता दिया, नहीं आपको उस प्रभु के सेवक पे बहुत विश्वास है, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि कोई भी सेवक अगर सही कह रहा है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इस बात को जांचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप स्वयं भी परमेश्वर के वचन को समझें, जानें और उसको पढ़ें। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक आप गहराइयों के साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई भी कुछ भी बता के चला जाएगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते नहीं है परमेश्वर के वचन की गहराइयों को, अच्छे से समझते नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक शहर का, एक नगर का नाम है बीरिया, बीरिया नाम है। बीरिया के जो लोग थे, जब उनको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था तो वो जाकर जो थे घर में जाकर या कहीं जाकर वो ढूंढ-ढांड करते थे कि जो कुछ बताया गया है ये सही है या गलत है। वो देखते थे, वो जांचते थे, वो परखते थे। ये नहीं है कि उन्होंने सुना और उस पर विश्वास कर लिया, वो खुद परमेश्वर के वचन की खोज करते थे कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। और यही तरीका जो है बिल्कुल सही है कि आप जो है झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोगों से और झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक, इनसे आप बचे भी रह सकते हैं कि आपको सच्चाई पता है, क्योंकि आप स्वयं परमेश्वर के वचन को जानते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, ये लोग थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मतलब वो, ये जो लोग थे ये परमेश्वर के वचन को सुनते थे फिर वो ढूंढते थे। देखिए ये बात एक दिन की नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार बाइबल लेकर बैठ गए और आपने सीखने लगे। प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसकी खोज करना है, उसमें खोजना है कि क्या जो बातें हम सुनते हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, इंटरनेशनल पादरी हैं, थियोलॉजी करे हुए हैं या PhD करे हुए हैं, कि वो कितने सही हैं और कितना सही वचन आपके सामने देते हैं या नहीं। अगर इसकी जानकारी आप स्वयं प्राप्त करेंगे तो ये आपके लिए भला होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगा, जब प्रत्येक दिन आप परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति भी होगी, आपकी आत्मिक उन्नति होगी और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स भी जो है आपके जीवन में उतरेगी। तो ये जो है ये तरीका बहुत सही है। फिर लिखा है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक कंफ्यूजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर लोगों में ये होता है कि कोई कहता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है गर्मी में हुआ, कोई कहता है कि जाड़े में हुआ। अब गर्मी में हुआ या जाड़े में हुआ, मैं भी आपको कह दूं हां साहब गर्मी में हुआ, ठीक है, तो आप कहोगे ये तो पादरी साहब ने ऐसी कह दी। नहीं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें कि गर्मी में हुआ या जाड़े में हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है
कि यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, देखिए हम लोग क्या है, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया तब लोग हाथ कांप रहे थे, मगर हमें संदेश जो सुनाया गया है, हमें जो संदेश बताया गया वो क्या बताया गया कि गड़रिये जो थे मैदानों में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और हाथ कांप रहे थे। आपने देखा होगा कि जब क्रिसमस पे क्रिसमस प्ले होता है तो उसके अंदर गड़रियों को दिखाते हैं और आग जल रही है, वो आग ताप रहे हैं। ये सारी चीजें आई कहां से? परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। आज यही बात सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो गर्मी में हुआ या ठंड में हुआ। यहां पर देखते हैं सबसे पहले लूका 2 अध्याय उसके 8 पद में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा जरा। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अब आप ये सोचिए, दिसंबर का महीना है, 25 तारीख और कड़ाके की ठंड, और ऐसे ठंडे इलाके में क्या कहते हैं वहां बाहर मैदान में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सी भेड़ बकरियां हैं और उनके बच्चे भी हैं। अब ये आप ये सोचिए कि पूरी रात मैदान में इतनी ठंड के अंदर पूरी रात आग जलाकर भी जो है इंसान ठीक से नहीं रह सकता है, और खास तौर से भेड़ बकरियों के बच्चे कैसे रहेंगे, कितनी आग जलानी पड़ेगी, और भेड़ बकरी के बच्चे क्या होंगे, वो मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो समझना। यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ कितने मैदान में थे, वो मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, कहीं ये नहीं लिखा है कि वो आग ताप रहे थे। वहां लिखा है कि मैदान में रहकर गड़रिये अपनी भेड़ों की क्या कर रहे थे, अपने झुंड की झुंड का पहरा देते थे और उनकी रखवाली करते थे और उनकी देखभाल करते थे। यहां बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि वहां पर वो आग ताप रहे थे। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सी बातें बाइबल में नहीं लिखी होती हैं, चलिए इस विषय पे भी बात करेंगे, मगर यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब हम इस विषय की बात करते हैं तो बाइबल में जो है विशेष तौर से नए नियम में जो आग तापने की बात आई है, मैं नए नियम की बात करूं कि जहां आग तापने की बात आई है वो कहां पर आई है, जब आप पढ़ेंगे मरकुस, देखिए मैं बहुत से पूरा पूरा पद नहीं पढ़ूंगा मगर आपको पद दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, मरकुस 14 अध्याय उसका 54 पद, वहां पतरस के बारे में लिखा हुआ है कि पतरस प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, और यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले पतरस से क्या कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इंकार करेगा। इसलिए पतरस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे गया, और एक जगह जब आग जल रही थी सब लोग आग ताप, बिल्कुल साफ लिखा कि आग ताप रहे थे, और कोई भी अगर आग तापने वाली बात यहां लिखी हुई है तो आग तापने वाली बात जो है वो उस समय भी लिखी होती जब गड़रिये जो थे, जिस समय यीशु मसीह पैदा हुआ और गड़रिये मैदानों में जो है अपने अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, वहां पर भी ये लिखा होना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा था है? दूसरी चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, एक नहीं कई रेफरेंस आपको दूंगा, लूका 22 और उसका 55 पद, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठा बैठे थे तो पतरस भी उनके बीच बैठ गया। देखिए आग सुलगाकर बैठे हुए थे और पतरस भी उनके बीच बैठ गया और आग तापने लगा, पतरस पीछे लगा। अब देखिए यहां पर क्या है, मरकुस ने भी वही बात कही और लूका भी वही बात कह रहा है। अब यूहन्ना की बात कर लेते हैं, ठीक है, यूहन्ना के बारे में भी बात कर लेते हैं, यूहन्ना 18 का 18 पद, दास और प्यादे, अब ध्यान दीजिएगा जरा यूहन्ना 18:18 पे, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। ये कब की बात है, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, यानी जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, यानी यीशु मसीह को जब सूली दी गई, यीशु मसीह को जब मारा गया, तब ठंड का दिन था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो ठंड का दिन नहीं था, क्योंकि ऐसी सर्दी में खुले मैदान में खुले आकाश के नीचे बैठना असंभव है ऐसी ठंड में, और वो भी छोटी छोटी भेड़ और बकरियों के बच्चों के साथ, बहुत मायने रखता है बहुत कुछ। और यहां बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा है, और वहां पर बिल्कुल नहीं लिखा कि गड़रिये आग ताप, मगर क्या एक संदेश है,
किसी ने सुना दिया कि सब गड़रिये रात में आग ताप रहे थे और झुंड की रखवाली कर रहे थे और वो हाथ सेक रहे थे। तो जब क्रिसमस प्ले होता है तो उसके अंदर भी ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, परंतु हमारे अंदर इन चीजों की समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की खोज ही नहीं करते हैं। तो यहां पर जो है हमें परमेश्वर के वचन की खोज करना है, जिससे हमें पता चले कि हाँ सही माने में क्या है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यीशु मसीह का जो जन्म है, जो समय रहा है, वो गर्मी का रहा है और ठंड का नहीं था। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं और उसके अनुसार जो है रेफरेंस आपको दे रहा हूं। यहां पर क्या है, फिर एक ध्यान देने की बात है। और क्या ध्यान देने की बात है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? जैसे बहुत से लोग कहते हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूं, मैं भी कहता हूं इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह का, पहले हम बात कर लें कि कौन सी सन में हुआ, बीसी में हुआ या एडी में हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो है वो बीसी में हुआ। अब आप कहोगे कि साहब बीसी में कैसे हुआ, एडी में जब यीशु मसीह पैदा हुआ, एडी तब से शुरू हुई है, ईसवी तब से शुरू हुई है। देखिये एडी कब से शुरू हुई, कब से, ये एक बहुत लंबा बहस है, बहुत लंबा विषय है। परंतु जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 4 बीसी में क्यों हुआ, क्योंकि 4 बीसी के अंदर हेरोदेश राजा था, और हेरोदेश राजा जो था, जब उसने यीशु मसीह के जन्म की बात सुनी और जोशी उसके पास गए तो वो घबरा गया और यीशु को मार डालने की उसने योजना बनाई। ये 4 बीसी की बात है। और हेरोदेश का जो मृत्यु हुई है वो भी 4 बीसी में हुई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए यीशु मसीह का जन्म जो है वो 4 बीसी है, बिल्कुल करेक्ट जो उसका आता है सन जो निकल के आती है वो बिल्कुल यही सही है। अब यीशु मसीह का जन्म जो है वो गर्मी में हुआ है, ये कैसे आप बात करेंगे? इसके लिए क्या करना, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात क्या है, हमें बिब्लिकल तरीके से सोचना है, जो बाइबल का कैलेंडर है उसके बारे में बात करनी है। अब बाइबल का जो कैलेंडर है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और यह बात हमें बाइबल से मिलेगी, मगर हम बाइबल पढ़ते नहीं है, हमें बाइबल की जानकारी कैसे होगी? बाइबल के अंदर जो धार्मिक कैलेंडर होते थे, देखिए यहूदियों के पास 2 कैलेंडर होते थे, एक सिविल कैलेंडर होता था और एक धार्मिक कैलेंडर होता था। सिविल कैलेंडर की जो स्टार्टिंग थी, जो पहला महीना हुआ करता था, वो सितंबर अक्टूबर हुआ करता था, और धार्मिक कैलेंडर जो हुआ करता है उसकी जो स्टार्टिंग है वो मार्च और अप्रैल होती थी। अब जो उसको अबीब का महीना कहते हैं, जो अब सीधे सीधे अब अप्रैल मान लीजिए कि उसको अप्रैल कहते हैं, ठीक है। तो इस कैलेंडर की जो जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब एक ध्यान देना जरा, लूका 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, 26 और 27 पद लूका 1 का। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। अब यहां पर बड़ा ध्यान सोचिएगा कि मरियम के पास जो जिब्राइल फरिश्ता था, जो जिब्राइल सरदूत था, परमेश्वर ने जो है कौन से महीने में भेजा, छठवें महीने में। अब यहां पर धार्मिकता की बात है, जब यीशु मसीह की बात आती है, यीशु मसीह के पैदा होने की बात आती है, यीशु मसीह के बलिदान होने की बात आती है, तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो धार्मिक कैलेंडर के अनुसार होना चाहिए। अब धार्मिक कैलेंडर के अनुसार जब हम बात करेंगे तो पहले हमें यह होना चाहिए कि छठा महीना कौन सा है। अब जैसे मैंने बताया कि धार्मिक कैलेंडर का जो आरंभ का महीना होता था वो अबीब का महीना कहलाया जाता था, और उसको निशान का महीना भी कहा जाता था, जो अप्रैल है, अप्रैल है। फिर उसके बाद दूसरा जो महीना होता था वो अय्यर या जीप का महीना कहलाया जाता था, जो मई का है। मैं इसके रेफरेंस भी आपको दे सकता हूं, मगर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वो पढ़ना चाहूंगा जो इसके महीनों के नाम हैं। फिर सिवान, जो जून का महीना कहलाया जाता था, तमुज, जो जुलाई का महीना कहलाया जाता था, अब जो अगस्त का महीना है, और एलुल जो सितंबर का महीना है, तिसरी और जो अक्टूबर का महीना है, और मार्चेश्वन और बूल, जिसको बूल भी कहते हैं, ये नवंबर का महीना है, और किसलेव ये दिसंबर का महीना है, तेबेत ये जनवरी का महीना है, सेबेत ये फरवरी का महीना है, और आदार ये मार्च का महीना है।
अब छठा महीना कौन सा हुआ, ये ध्यान देने की बात है कि अप्रैल जो है, जब पहला महीना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर जो है छठा महीना है, सितंबर जो है छठा महीना, यानी जिब्राइल जो सरदूत है परमेश्वर की ओर से मरियम के पास कौन से महीने में भेजा गया, छठवें महीने अर्थात सितंबर के महीने में भेजा गया। अब सितंबर के महीने में जो है वो भेजा गया, यहां पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, यहां पर ध्यान देने की बात है कि बहुत ध्यान देने की बात है कि लूका 1:36 में क्या लिखा है, जिब्राइल सरदूत मरियम को बताता है तेरी कुटुम्बनी इलीशिवा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो है जो मांच कहलाती थी उसका छठवां महीना है, यानी इलीशिवा का जो है ये छठवां महीना लगा है, और छठवें महीने में जो है सरदूत जो है वो मरियम के पास गया है। अब यहां पर जो है सरदूत जो है वो छठवें महीने में मरियम के पास गया है, तो छठवां महीना से आप लगाइए सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई जो है मई तक 9 महीने होते हैं। अब सितंबर से मई तक पूरे 9 महीने होते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, जो बच्चे के जन्म की जो तिथि होती है वो होती है 9 महीने और 15 दिन के, 15 दिन, ये एक नॉर्मल डिलीवरी होती है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है बच्चा जो है, या 15वें दिन में बच्चा पैदा हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के अनुसार। तो मरियम के द्वारा जो यीशु मसीह पैदा हुआ है ये मई के महीने में नहीं, मई के महीने में 9 महीने पूरे होते हैं, बल्कि जून के महीने में पैदा हुआ, और जून कौन सी तारीख को, जून 11 तारीख को जो है यीशु मसीह पैदा हुआ, यानी यीशु मसीह की जो सही डेट है, जो जन्म की डेट है वो 11 जून 4 BC है, 11 जून 4 BC में प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ था। अब आप कहोगे कि 11 जून कैसे है, इसके लिए आपको और सर्मन में आगे जाना पड़ेगा और हम देखेंगे, परंतु अभी हम जो देखते हैं परमेश्वर का वचन जो बताता है हमें, यहां पर बहुत सी जो डेटे इसमें दी हुई हैं वो बिल्कुल सही तरीके से। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके संबंध में और आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, और इस चीज को आप अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, और इसकी जांच परख आप स्वयं करें कि परमेश्वर की सही माने में डेट कैसे निकाली जाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसके बारे में भी आप सीख रहे हैं और आने वाले और भी संदेशों में आप सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।